हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। ममता बनर्जी ने कहा, राजनीति को लेकर कांग्रेस के गंभीर न होने के कारण पीएम मोदी और शक्तिशाली बनेंगे। जी हां, टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने गोवा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शक्तिशाली बनेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई निर्णय नहीं ले सकता तो उसके लिए देश को क्यों भुगतना चाहिए। बकौल ममता, मैं चाहती हूं कि क्षेत्रीय दल मजबूत हो, हम दिल्ली की दादागिरी नहीं चाहते हैं। CBSE फर्स्ट टर्म बोर्ड परीक्षा 30 नवंबर से। जी हां, आपको बता दें कि CBSE कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगी, जबकि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 22 दिसंबर तक चलेगी। पहली बार CBSE बोर्ड COVID-19 महामारी के कारण दो चरणों में बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। टर्म फर्स्ट परीक्षा प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ होगा, जबकि टर्म सेकेंड को विषयगत रूप से किया जाएगा। करंट अकाउंट खोलने के बदले नियम, इन ग्राहकों को मिलेगा फायदा। जी हां, RBI ने 5 करोड़ रुपए से कम के बैंक एक्सपोजर के लिए करंट अकाउंट खोलने के लिए अपने दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब उन ग्राहकों के लिए भी करंट अकाउंट खोलने की अनुमति होगी जिन्होंने दूसरे बैंकों से कर्ज ले रखा है। यही नियम कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं पर भी लागू होता है। यूपी चुनाव से पहले बसपा को झटका, 6 विधायक हुए सपा में शामिल। जी हां, आपको बता दें कि बसपा को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी के 6 विधायक सपा में शामिल हो गए हैं, तो वहीं एक बीजेपी विधायक ने भी सपा की सदस्यता ली है। सपा में शामिल होने वालों में सुषमा पटेल, हरगोविंद भार्गव, असलम चौधरी, असलम रायनी, श्रावस्ती हाकिम, लाल बिंद, मुजतबा सिद्दीकी और बीजेपी के राकेश राठौर शामिल थे। देहरादून में अमित शाह ने कहा, उत्तराखंड में बाढ़ आई तो कांग्रेस कहाँ थी, इसका कोई हिसाब नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आने पर कांग्रेस वालों का सीजन आ जाता है, राज्य में बाढ़ आई तो कहाँ थे, कोई हिसाब किताब नहीं। शाह ने आगे कहा कि जब चुनाव आता है तो कांग्रेस अलग अलग मुद्दों पर धरना प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगती है। दिल्ली सरकार ने कहा, सरकारी अस्पताल 1/3 कोविड बेड्स डेंगू के इलाज में कर सकते हैं इस्तेमाल। जी हां, दिल्ली सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के सरकारी अस्पताल ICU बेड समेत COVID-19 मरीजों के लिए आरक्षित 1/3 बिस्तरों का इस्तेमाल डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों के इलाज में कर सकते हैं। बकौल दिल्ली सरकार, सरकारी व निजी अस्पतालों या COVID-19 केयर सेंटर्स में कुल 30,348 में से ऑक्सीजन ICU बेड समेत 29,862 COVID-19 बेड्स खाली हैं। अमेरिकी जासूसी एजेंसियों ने कहा, हो सकता है कि COVID-19 की उत्पत्ति का कभी पता न चले। जी हां, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कहा कि शायद वे कभी भी COVID-19 की उत्पत्ति का पता न लगा पाए। एजेंसियों ने इस पर अपनी अधिक विस्तृत समीक्षा जारी की है कि क्या COVID-19 पशु से इंसानों में आया है या फिर किसी लैब से लीक हुआ है। रिपोर्ट में COVID-19 को जैविक हथियार का इस्तेमाल किए जाने की अनुमानों को नकारा गया है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।